Hey guys, welcome to my channel. तो आज हम ट्राई करने वाले हैं एनिमे स्नैक्स। मगर एनिमे स्नैक्स क्या है? लेने जाने वाले। चलो, वेट क्या कर रहे हो? हैं? दो ये है सबसे अच्छा मतलब हाँ। क्या सकता हूँ मैं वैसे भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मीठा है और इसके अंदर बहुत सारे क्रंच डले हुए हैं। कैसे कैसे इसको करेंगे कि डेरी मिल्क क्रंच जैसे बबली, पर इसके अंदर दाने दाने हैं सबसे अच्छा लगा अभी इसमें से। सबसे अच्छा तो आगे और भी तो चीजें हैं, तो क्या हो गया उसको भी दे देंगे 10 है ना भाई। मैं भी इसको 9 दूंगा क्योंकि मुझे इसमें बड़ा मजा आया खाने में। एक पॉइंट का करना क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आगे और अच्छी अच्छी आएंगी। कैसा है? बहुत मस्त है और मेरा फेवरेट ड्रैकन कुन है। मेरा मंकी ड्रैकन कौन सा वाला? बीचा ये वाला। अच्छा, इसके टैटू है यहाँ पे ड्रैगन बना हुआ और दुख तो माइकी है। ओ ये कौन बंदा है? दिखाइए दिखा, ये मैं भूल गया, ये कौन था? ये हम्मा, कौन? हामा, हम्मा। हाँ, ये वही है। मतलब ये जो बहुत साइको होता है, जो बहुत साइको होता है और जो बहुत मस्त भी होता है। नो स्पॉइलर्स। चलो इसको मैं खोलती हूँ। ये सेम्बे है, सेम्बे है, सेम्बे बोलते हैं इनको। जापानीज चिप्स कह सकते हैं। खाया खाया लग रहा है, तो इंडिया में भी खाया था? हाँ, नहीं चीज टाइप जो होते हैं। नहीं नहीं खाया मैंने। जो राइस क्रैकर है, राइस क्रैकर सेम बे। वही है। वाह बस मैं नहीं लगा, मेरे को सही लगा, बस ज़्यादा नहीं सही लगा। स्वाद है, नमकीन है, ये इंडियंस के लिए सही है। इसमें चिकन चिकन तो नहीं होता ना? नहीं, वेज होंगे। हाँ, राइस क्रैकर्स है ना, राइस से बने होते। मेरे लिए तो 10 नहीं है क्योंकि एक तो राइस क्रैकर्स हैं, तो राइस क्रैकर्स तो बहुत टेस्टी होते हैं। और ये बिल्कुल हार्ड वाले राइस क्रैकर्स नहीं है, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट वाले राइस क्रैकर्स, जैसे हम बाइट करो तो क्रंच आता है अच्छा वाला, वैसे है। और इसके ऊपर मसाला बहुत अच्छे से लगा हुआ है कि जीप पे जाती है, ऐसे फ्लेवर्स का बॉम्बार्डिंग होती है, तो बहुत टेस्टी है। मैं 10 दूंगी, मैं खा सकती हूँ पूरा पैकेट का। मैं 5.5 इतने कम क्यों? मेरे को ठीक लगा, मेरे को इतने पसंद नहीं राइस क्रैकर्स, तो मेरे को इसके लिए 5.5 दूंगा। ये फ्राइड होते हैं? हाँ, वो भी से आई थिंक। तो फिर मैं इसको 8 दूंगा। व्हाट द हेल, क्या यहाँ पे डाइट का वो चल रहा है क्या? ठीक लगा, नहीं मैं 9 दूंगा इसको। यार लेस भी तो पसंद है ना, देखो वो भी तो चिप्स होते हैं, तो फिर मगर चिप्स से बिल्कुल अलग है। ये उससे थोड़े हेल्दी है आई थिंक। हाँ, फ्राइड नहीं होते शायद, फिर सही है, ड्राइड होता है। जापान के लिए नेक्स्ट पिकाचू पोकेमॉन नूडल्स, सी फूड वाले हैं। इसके अंदर भी निकलेगा स्टिका या सी फूड वाले, मजा नहीं आता। क्या क्या होता है? इसको कुक करना पड़ेगा, हम थोड़ा इसको कुक करके आएंगे। हाँ, सब कुछ निकाल देना पहले।
और तो कुछ नहीं, बस वही डालना पानी तो पालकिया। पालकिया इस बंदे का नाम नहीं, डियाल का है इसका बंदा है वही पोकेमोन। इसमें लिखा हुआ है कि 19 टाइप के हैं पोकेमोन, कौन सा निकलेगा तुम्हारा। चलो कुक मारो, ये लाइन तक डालियो। तू वहां से क्यों बनवा रहा है फिर? सौरन का जोड़ा। बस बस इसको कितने मिनट रखना है, चेक भी तो करना पड़ेगा। 3 मिनट होता है। हां 3 है, सम्पूर्ण बन गए। इसके अंदर कोई मसाला डाला था? नहीं, इसके अंदर ऑलरेडी पहले से बना बनाए थे। ठीक है, नारुतो ये भी नहीं है, पता नहीं क्या है, क्या बोलते हैं लिखा हुआ है इसके ऊपर कुछ। पिंक वाला चीज क्या होता है? नारुतो होता है इस पर लिखा हुआ? नहीं, वो पिकाचू बना हुआ है। मैं तो पकड़ ही नहीं जा रही। पूरा खोलना, तू इतना आधा क्यों खुला हुआ है? ओ पिकाचू बना हुआ है क्या? नारुतो है ऐसे बोलते हैं नारुतो। ओ थामा बाकू खा गए पूरा मैं, और एक ही साइज में। पिंक कलर का और व्हाइट कलर का होता है वहां, यहां फेमस है बहुत वो वाला फिश। टेस्टलेस होता है। पूरा आवाज निकाल के खाते हैं वो स्वाद है तो मजा ही आ गया। पानी आ रहा है कुछ बोला नहीं, हो जाएगा अंदर जल्दी जल्दी फुड़ फुड़ करो ना। अब मैं ऐसे देखूंगा, मतलब मेरे को बहुत मन कर रहा है। मत कर यार, पानी टप कर बाहर आ रहा है। कुछ भी खाए नहीं पूरे को, आप ही खा रहे हो। बहुत टाइम लगा रही है, इतने में मेरा नूडल्स ठंडे हो जाएंगे। पिकाची तो खा रही हूँ मैं अपना। अच्छा है, पिकाची निकाल ले। कितना टाइम लगाते हैं पिकाची जी। क्या बोलते हैं, थामा याकी, थामा बोको, थामा बोको। मैं इनके मुंह देख रहा हूँ, इसको तो दे दो बैठा हुआ। बहना जल्दी खा लो यार, रुक जाए। हाशी तड़प रहा है यहां। ये इतना टेस्टी है, मैंने पहले कभी सी फूड ट्राई नहीं किया था। मेरे को ना स्वाद नहीं, टेस्टी है यार। अब दिखाते कैसे खाते हैं। गंदा टेस्ट नहीं आ रहा सी फूड का। खुशबू तो बहुत गर्म है अभी, खूब मार रहा है। मेरे को बहुत, मैंने ट्रेनिंग दे रखी है गरम गरम खाने की, इसलिए मैं खा सकता हूँ। फ्रेम से गया तो गरम था। चुप सड़ी पिकाचू खा के देख। बड़ा वाला वो दो है, इसको कितनी रेटिंग देगा तू? मैं 10 देना चाहता हूँ। मैं भी 10 दूंगा, मेरे को बहुत पसंद आया। मैं भी 10 दूंगी। कैसे ये तो च्युइंगम नहीं है, खत्म हो रही है। टूथपेस्ट नहीं, बहुत मीठा ज्यादा नहीं है, ओवर है। ये तो बबले बना रहा है इससे। मिक्स होगी ना ये कैंडी, ऐसा लग रहा है कैंडी के साथ मिक्स। कैसे बताऊं मैं, जो नेल पॉलिश की ऐसे आती नहीं, नहीं ये तो ग्रेप है? ग्रेप का टेस्ट है। मैं तो बदल, क्योंकि फर्मेंटेड है ना। कैसे बताऊं मैं, मैंने अंदर ले ली, अंदर ले गए चुंगम है, इसके अंदर कैंडी मिक्स है ना, मेल भी है, अंदर ले गए। ऐसा लगा मेरे को नेल पॉलिश खा लिया है, कुछ ऐसे टोन टाइप होती है जो नेल रिमूवर वाली, वैसा कुछ टेस्ट आ रहा है इसका। मैं इसको अच्छे से बाइट करूंगी भयंकर। अगर तुम ज्यादा खाओगे तो वैसा टेस्ट आएगा। नहीं, इसके अंदर मिक्स है ना, कैंडी भी है। खत्म हो गई? नहीं, होगी ये बड़े बड़े के खा रहा है। मेरा हाथ भी गंदे हो गए। अजीब सी नहीं है मेरे से तो च्युइंगम? देखो अच्छी लग भी नहीं है, फिर भी खा रहा हूँ। अजीब बात है, बहुत छोटी है ये तो, मेरे तो सब अंदर चले गए।
ज्यादा खाओगे तो दबा देगा पूरी बोतल खा रहा हूं कुछ ऐसा लग रहा है अल्कोहल टाइप गरम गरम लग रहा है यहाँ पे दर्द हो रही है पता नहीं मेरे अंदर कहीं जम ना जाए रात रात को ऐसे से जाला बन जाएगा कितनी रेटिंग होगी रेटिंग आई डोंट नो मेरी तो च्युइंगम बनी नहीं है तो मैं तो इसको शिनचैन के नाम चलो से तू कितने मैं 3 देना चाहता हूँ जी सच में मैं भी इतनी क्योंकि मेरे को एसीटोन टाइप या कुछ वैसा नेल रिमूवर टाइप लगा है खाने नहीं इतना भी मैं ऐसा चढ़ी है यहां से गरम गरम लग रहा है ऐसा लग रहा है ये बच्चों के लिए ऐसा लग रहा है किड को खिला रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं एडल्ट को खिला रहे हैं मैं भी इतनी दूंगा 4 दूंगा शायद तो मेरे से 6 के दिलवाई अभी 5 ही दूंगी नहीं शिनचैन में 5 ही दूंगी इसमें आपको क्या नहीं अच्छा लगा कि मेरी च्युइंगम नहीं बनी च्युइंगम मेरी बनी है छोटी सी मैं बहुत बड़ी क्या फायदा होता है ये तो दोबारा फुला रहा है ऐसा तो बनेगा नहीं हमारा पूरी बोतल खाएंगे तब बनेगा नेक्स्ट टडंग लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है माय फेवरेट एनीमे इसको देखकर ही मेरे को बहुत जोश आ जाता है शिंगे की कयोजिन ड्रैगन टाइटन ये वाली आइसक्रीम मैं खाऊंगा बहुत स्वाद होती है इसके हर जगह कैरेक्टर्स बने होती है हमें फेवरेट लेवर और आई थिंक तुम्हारा फेवरेट सीन भी इसमें है दो तरह की वनीला है और एक है पूरी चॉकलेट कौन सी वाली खानी मैं तो चॉकलेट खाऊंगा मैं वनीला खा के देखती हूँ अंदर से ऐसे ही ओ वैसे निकली नहीं अच्छे से रुको 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 मस्त है तो इस टोपी में बहुत सी चॉकलेट थी सबसे ऊपर पर तो पिघलने भी लगी इसके अंदर वाइट है वनीला बिल्कुल कड़क है अरे नहीं अगर जैसे अमेजिंग वो मीठी बड़ी है चॉकलेट इतनी मीठी है ना इसके पास सीन बने हुए हैं ये सारे नए एनीमे के हैं पुराने के सीन बने ये तो पुराने हैं सारे इसमें बोल सकते हैं नहीं7 क्योंकि बहुत मीठी थी और बस इतना ही था ये क्या बात हुई अटैक ऑन टाइटन को फुल दे नहीं अटैक ऑन टाइटन वैसे मैंने 1 प्लस करा ना 7 का नहीं था ओ चल सही फिर मैं इसको दूंगी 5.5 क्योंकि कुछ ज्यादा ही मीठी कैसे क्यों वो ज्यादा मीठी थी गया तेरा अटैक ऑन टाइटन मतलब सब के तो शुगर रश हो गया खा के मीठी चीज आजकल पसंद नहीं करता इसलिए कम रेटिंग देनी पड़ रही है अगर ये मेरे को 2 साल पहले देते मैं इसको शायद 100 दे देता तो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय 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 बाय